महिला उत्पीड़न के रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी की अध्यक्षता में जन सुनवाई व समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अंजू चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला उत्पीड़न की घटनाओं में तत्काल कार्रवाई करें और महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास करें। उन्होंने जन सुनवाई में आई हुई पीड़ित महिलाओं से एक एक करके उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश देने के साथ ही आख्या उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई किया जाए। इस अवसर पर एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, समाज कल्याण अधिकारी सप्त ऋषि, अपर नगर मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त महिला थाना की प्रभारी डॉक्टर शालिनी सिंह, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर डी के सोनकर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, सुधार करें और उस पर विचार करें कि एक महिला के ऊपर उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ उससे कंसर्न है कि किसी भी महिला का किसी तरीके का किसी बात की अगर उनकी गलती है तो बताइए, तो मैं उनको करेक्ट करूं। और कोई गलती नहीं है तो इस तरह की बात नहीं होती। आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए कि महिला के साथ उत्पीड़न ना हो। नहीं, वो बोल रहे, लेकिन हम और किससे बात करेंगे? हम आप ही से बात करें। हम मैनेजमेंट के अलावा और किसी से बात क्यों करेंगे? हम जानते हैं कि मैं आपसे यही फोन करें कि आपके पति को बुलाया गया था थाने पे, नहीं ले जाएंगे मुकदमा लिखवाने के लिए। बुलेरिया में कहा गया तो तुम कहीं दिया मुकदमा नहीं मैंने हम लोग चाहते ही नहीं तरीके का कोई ये बात आगे। हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, मैनेजमेंट जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या करती है। के दौरान एक युवक से संपर्क हुआ, 5-6 महिलाएं जो है उसको शादी और रखा, उसके बाद अब चले गए। अब से रफड दर्ज कराने के लिए जो है थाना से लेके यहाँ तक दौड़ रहे हैं। और महिला संबंधी मामला इसमें सिर्फ घुमाने का काम ये हो रहा है कि यहाँ नहीं तुम राय बरेली में जाओ, वहाँ से कह देना वहाँ नहीं वहाँ जाओ। कोई ये नहीं कह रहा है दर्ज नहीं होना चाहिए, बहुत घुमाया जाएगा। मेरा सुनिश्चित नहीं मामला तो यही सर सब होना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो है स्पष्ट मत है कि महिला अपराध में कहीं भी एफ आई आर दर्ज होना तत्काल। हाँ, दोनों लोग सर, लेकिन जैसे कानपुर की रहने वाली थी महिलाओं हमारे देवर के लड़के जो है हमारी स्कूटी को अपने घर उठा लिया और उसके बाद से जब ये स्कूटी मांगने नहीं गई तो देखो ये लड़की वो जी आपका जी हाँ जी हाँ। तो जो है नंदलाल पुत्र रामरीच, गंगेश्वर पुत्र रामरीच और दीपक बादम पुत्र नंदलाल, सुधा पत्नी नंदलाल और इतने सारे लोग एक साथ पांच आदमी मिलकर उठा ले गए? नहीं, हाँ नहीं ले गए। मैं 10 कदम दूरी पर रहती हूँ जो वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ से गाड़ी देखते हुए धारते हुए हमारे घर में 5 आदमी घुस गए। मैं अकेले घर में रहती हूँ, हमारा पति जो है दिल्ली रहते हैं, मजदूरी करते हैं और 5 आदमी हमारे घर में घुस के हमको मारने पीटने गाड़ी हमारा सारा ब्लाउज वगैरह सब फाड़ दिए सर। और उसके बाद से गंदी गंदी गाड़ियाँ काट रहे थे, जिसको बड़े खुशियों से काट दो मार को जान से ख़त्म हो जाए। बच्चे मेरा है दिल्ली है, उन पापा के साथ वो भी मजदूरी करता है। उसी पैसे को जो है लेकर प्रधानपति हमसे बदला लिया। ये सारा मामला सुलझ गया था, कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन अब प्रधानपति हमारे भाई परिवार को चढ़ा कर देवर को अदरवानी को चढ़ा करके हमारा स्कूटी छिनवा दिया, हमारे घर में ताला लगवा दिया, उनको मारपीट करके घायल कर दिया। और साहब हमको मना किए अध्यक्ष साहब, थाना अध्यक्ष साहब ने थाना अध्यक्ष से पूछिए, कुछ नहीं जवाब नहीं दे रहे हैं।
हमारा कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा दूसरी बात, महिला आयोग के द्वारा के तरफ से मैंने यहाँ पर उपाध्यक्ष होने के नाते जन सुनवाई रखा है गोरखपुर के PWD गेस्ट हाउस में, और भारी संख्या में महिलाएं आई हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो किराएदार उत्पीड़न कर रहा, चाहे सास कर रही हो, चाहे पति कर रहा हो, चाहे किसी तरीके का संबंध किसी से बनाने के बाद है, चाहे वो कोई नेता कर रहा हो, तो इस तरीके के बहुत सारी समस्याएं यहाँ आई हैं सामने, और उनका निदान करने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ तक हो सका है जिस थाना से संबंधित है उस थाने में मैंने आदेश दे दिया है कि 5 दिन के अंदर हम तुरंत कार्रवाई करें, और तुरंत FIR दर्ज नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में यही सबसे बड़ी समस्या है कि FIR दर्ज नहीं हो रहा है, तो ये थाना की कमी है, और थाने को थोड़ा सा मेरे IG से और DIG से आपसे बात करना पड़ेगा कि थानाओं में विशेष रूप से सख्ती से आदेश दें कि जो भी महिला जाती है विशेष रूप से, तो उसका ध्यान दें और उसका FIR दर्ज करें और तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि जितनी महिलाएं आई हैं 90% का यही परेशानी है कि उनका मामले को सुना नहीं जा रहा है थाना में, उसको टाल दिया जा रहा है, महीनों सालों लटका हुआ है मामला, और उन लोग का समस्या का निदान नहीं हो रहा है। किस तरह का अभी तक समस्या है, कम से कम 20-25 लोग आ चुके हैं अभी तक, और अभी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जिन लोगों का समस्या है। मैंने जैसा कि बताया है कि कहीं सास उत्पीड़न कर रही, कहीं पति दूसरा तीसरा शादी कर ले रहा है, कहीं किराएदारी का मामला हो जा रहा है, कहीं ग्राम प्रधान उत्पीड़न कर रहा है, कहीं घर के लोगों का समस्या, अलग अलग तरह का समस्या, कई तरह के, कहीं स्कूल कॉलेज का समस्या है, वो भी समस्या है कि टीचर का मैनेजमेंट उत्पीड़न कर रहा है, तो इस तरीके के बहुत विभिन्न तरीके के समस्या है, कोई समस्या एक तरीके का नहीं आया है। कई है संबंध बना चुकी हैं और उसके बाद छोड़ दे रहा है लड़का, और उसके बाद फिर भी शादी करना चाहती हैं उससे, तो इस तरीके की जो कम उम्र की लड़कियां हैं गलत कदम उठा ले रही हैं, वो भी हमारे पास चली आ रही हैं, तो मैंने उन्हें डांट लगाया है कि संबंध बनाने के पहले समझ लेना चाहिए था कि क्या गलत काम कर रही हो, तो इस तरीके की समस्या हमारे सामने आई है। क्या